जापान एक बहुत ही अनोखा देश है जहाँ पर हर एक चीज अलग अंदाज में की जाती है। बेशक जापान के लोग अपने आप को दुनिया की भीड़ में खड़ा करने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं और वहाँ पर लोगों के ऊपर वर्कलोड भी बहुत ज्यादा होता है, लेकिन काम की टेंशन को दूर करने के लिए वहाँ ऐसे बहुत से रास्ते मौजूद हैं जिन पर चलते चलते आप भूल जाएंगे कि आप थके भी हैं। और उसमें से सबसे बेहतरीन चीज है प्रैंक, क्योंकि जापान के लोग जितना प्यार अपने आप से करते हैं उतना ही प्रैंक से भी करते हैं। इसी वजह से तो वो तरह तरह के प्रैंक करके खुद को और लोगों को एंटरटेन करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ते। और इसी वजह से आज हम आपको जापान में होने वाले कुछ ऐसे प्रैंक के बारे में बताने वाले हैं जिनके बारे में जानकर आप वाकई में हैरान हो जाएंगे। पर कुछ भी हो, इस वीडियो में आपको फुल टू मजा आने वाला है, तो देर किस बात की है, चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो को। ट्रिकी एलिवेटर। जब बात एलिवेटर की आती है तो भले ही हम उसे रोज क्यों ना इस्तेमाल करते हो, लेकिन हमारे मन में उसे लेकर थोड़ा बहुत डर तो रहता ही है। और कुछ लोग तो इससे इतना ज्यादा डरते हैं कि इस पर चढ़ना ही पसंद नहीं करते, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर कहीं एलिवेटर बीच में फंस गया तो दम घुटने की वजह से ही वो आधे पागल हो जाएंगे, जिसका सोचकर कई सारे लोग एलिवेटर में जाने से डरते हैं। लेकिन जो लोग जाते हैं उनके मन में भी थोड़ा बहुत डर तो मौजूद होता है, और उसी डर को ज्यादा बढ़ाने के लिए जापान में प्रैंक किया गया जहां पर एक व्यक्ति एलिवेटर के पास खड़ा होकर सामने आते लोगों को पहले आप करके अंदर जाने देता है। और जैसे ही वो लोग अंदर जाते हैं एलिवेटर का फ्लोर पूरी तरह से खुल जाता है और लोग कुछ इस तरह रिएक्ट करना शुरू कर देते हैं। हम आपको बता दें कि ये प्रैंक लोगों के रिएक्शन को स्लो मोशन में कैप्चर करने के लिए किया जाता है ताकि उसे एडवर्टाइजमेंट के लिए यूज किया जा सके। और इसका ये भी मतलब नहीं है कि जो लोग एलिवेटर से गिरते हैं उन्हें कोई चोट आती है, क्योंकि वो डायरेक्ट एक स्लाइड से होते हुए आराम से नीचे लैंड करते हैं, जिसके बाद कौन सा इंसान कितनी दूर तक फिसलता हुआ आया है इस चीज का भी मेजरमेंट किया जाता है। अशावर विद सड़ाको। सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि जापान की हॉरर फिल्म के बहुत ही फेमस कैरेक्टर का नाम सड़ाको है, और ये जिस फिल्म का कैरेक्टर है उस फिल्म को देखने वालों की रूह कांप जाती है, क्योंकि ये कैरेक्टर बहुत ही ज्यादा डेंजरस है। और इस तरह के वर्जन आपको हॉलीवुड और बॉलीवुड में भी देखने को मिल जाएंगे जहाँ पर व्हाइट ड्रेस पहने फीमेल घोस्ट अपने बाल आगे करके लोगों को डराने के लिए पूरी तरह से तैयार रहती है। लेकिन जरा इमेजिन करिए, ये बेहद ही डरावनी भूतनी अगर आपको नहाते वक्त आपके बाथरूम में मिले तो कैसा होगा। आपने जिस तरह लोगों के रिएक्शन देखे वो वाकई बहुत ही ज्यादा डरा देने वाले थे, क्योंकि जाहिर सी बात है कि जब कोई चीज अचानक से हमारे सामने आ जाती है तो हम डर जाते हैं, फिर चाहे वो कोई इंसान ही क्यों ना हो। ऐसे में अगर इस तरह का मेकअप लगाकर कोई डराने आएगा तो भला कौन इतना बहादुर है कि वो चौंके तक नहीं। क्योंकि दोस्तों, आप माने या ना माने, डर तो हम सभी को लगता है, लेकिन कुछ लोग कम डरते हैं और कुछ लोग ज्यादा। अब जैसे कि आप इन्हें ही देख लीजिए जिनके डर की सीमा इतनी ज्यादा हाई थी कि इनके सोचने की क्षमता ही खत्म हो गई कि इनके बाथरूम में कोई घोस्ट नहीं बल्कि एक मेकअप लगाए हुए व्यक्ति था। ड्रिंकिंग फाउंटेन। ड्रिंकिंग फाउंटेन बहुत ही ज्यादा कन्वीनियंस होता है, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल होते हैं और सबसे अहम बात कि बिल्कुल फ्री होते हैं, जहाँ पर आपको अपनी प्यास बुझाने के लिए इस फाउंटेन के आगे बस अपना मुंह खोलकर खड़े हो जाना है। बाकी का काम तो ये फाउंटेन खुद ही कर देता है जो डायरेक्ट आपके मुंह में पानी डालता रहता है। और इन्हीं सब वजहों से जापान में इसे भारी मात्रा में इस्तेमाल किया जाता है, और जब जापान में कोई चीज भारी मात्रा में इस्तेमाल की जाती है तो उस पर प्रैंक होना तो बनता है। जैसे कि आप यहाँ देख लीजिए, जहाँ पर ज्यादा कुछ नहीं किया गया, बस वाटर का प्रेशर हाई कर दिया गया और ये प्रेशर इतना ज्यादा हाई था कि पानी का फाउंटेन कुछ मीटर ऊपर तक जा रहा था, जिस वजह से यहाँ पर आने वाला हर इंसान गीला होकर जाता। हालांकि कुछ लोगों ने इस फाउंटेन से लड़कर अपनी प्यास बुझाने की पूरी कोशिश की, लेकिन नतीजा आप सभी बहुत अच्छे से जानते हैं कि या तो उनकी टोपी उड़ गई या फिर बाल गीले हो गए, और कुछ लोगों को तो दोबारा नहाना भी पड़ गया। पर दोस्तों, कुछ भी कहिए, पब्लिक प्लेस में होने वाले इस तरह के प्रैंक रिकॉर्ड करने में वाकई में काफी ज्यादा मजा आता है। स्टिकी फ्लोर। दोस्तों, अगर आपको पिछला जोक खतरनाक लगा था तो फिर ठहर जाइए, क्योंकि ये वाला तो इससे भी ज्यादा खतरनाक है। क्योंकि इस प्रैंक को करने के लिए सबसे पहले तो एक बहुत ही ज्यादा चिपकने वाला फ्लोर बनाया गया, और वो फ्लोर कुछ इस तरह था
कि वो कुछ देर तक तो लोगों को अपने में चिपकाए रख सकता था, जिसके बाद उस फ्लोर को रोड के बीच में लगा दिया गया। हालांकि ऐसा नहीं है कि समझदार लोगों को इस प्रैंक से बचने के लिए मौका नहीं दिया गया, क्योंकि जो लोग समझदार थे वो इस फ्लोर के आसपास मौजूद कंस्ट्रक्शन का सामान और बाकी चीजों को देखकर ये समझ जा रहे थे कि इसमें कुछ गड़बड़ है, जिस वजह से उन्होंने अपना रास्ता बदल दिया। लेकिन कुछ जिद्दी लोगों को तो इसी रास्ते से जाना था, जिसके बाद उनका क्या हुआ चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो इस फ्लोर ने दो स्कूल गर्ल्स के जूते अपने में पूरी तरह से चिपका लिए और काफी ज्यादा मशक्कत करने पर ये दोनों बिचारी लड़कियां यहाँ से निकल पाईं, जिसके बाद यहाँ पर एक लवली कपल आया और वो तो इस फ्लोर पर अपने कदम रखते ही गिर गया। फिर एक महिला शॉपिंग बैग लेकर इसमें फंस गई और एक बिजनेसमैन के काफी सारे पेपर भी इस स्टिकी फ्लोर पर चिपक गए। लेकिन सबसे ज्यादा खराब एक्सपीरियंस इस सीरियस आदमी का था, जो खुद फ्लोर में गिरा ही, लेकिन उसके साथ इसकी शक्ल भी स्टिकी फ्लोर पर चिपक गई। डेंजरस इंटरव्यू। याकूजा जापान की सबसे बड़ी क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन है और आपकी सलामती के लिए बहुत अच्छा है कि आप इनके साथ कोई भी जोक ना करें, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप इनका नाम इस्तेमाल करके लोगों को डरा नहीं सकते। जी हाँ, जापान में ये सब भी होता है, जहाँ पर एक व्यक्ति याकूजा का मेंबर होने की ऐसी बेहतरीन एक्टिंग करता है कि उसके पास खड़े दो लोग पूरी तरह से सदमे में आ जाते हैं और इतनी जोर से डर जाते हैं जैसे उन्होंने वाकई याकूजा को देख लिया हो। आप कुछ भी कहें, लेकिन याकूजा का रोल निभाने वाले एक्टर ने बहुत ही लाजवाब एक्टिंग की। कलेक्टिव प्रैंक। क्राउड के बीच में खो जाना बहुत ही ज्यादा ऑकवर्ड मूवमेंट हो जाता है, ये तो आपको और हमें बहुत अच्छे से पता होगा, क्योंकि हम भी कभी ना कभी भीड़ में खुद को खोया हुआ महसूस कर चुके होंगे। लेकिन तब क्या हो जब पूरी भीड़ ही आपके ऊपर प्रैंक करने में लग जाए, क्योंकि इंसान को डराने का इससे अच्छा मौका नहीं होता, जिसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि मजबूत से मजबूत इंसान लोगों की भीड़ देखकर कमजोर पड़ जाता है और फिर उसका ऐसा डरावना रिएक्शन निकलता है जिसे देखकर किसी को भी हंसी आ सकती है। और एक बार जापान में कुछ ऐसा ही प्रैंक हुआ, जहां पर लोगों की एक भीड़ रास्ते में चल रहे एक या दो लोगों की तरफ इतनी तेजी से आती है कि जिसे देखकर वो लोग इतनी ज्यादा घबराहट में आ जाते हैं कि भागने लगते हैं। कुछ लोग तो इतना डर जाते हैं कि कहीं ये लोग आकर उन्हें मारने न लगे, ऐसे में चिल्लाकर तेजी से रोने भी लगते हैं। हालांकि कुछ लोग वहीं पर खड़े होकर पूरी तरह से सहम जाते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है आप अगर इतनी बड़ी भीड़ अपनी ओर दौड़ते हुए आता देखेंगे तो घबरा तो जाएंगे ही, जैसे इन लोगों के साथ हुआ। फाइंड द लायन। आप लोगों को इस तरह की तस्वीरों के बारे में तो पता ही होगा, जिन्हें देखने के बाद आपको उनके अंदर कई सारी चीजें ढूंढनी पड़ती हैं, जैसे कि कोई एनिमल या फिर कोई छुपी हुई चीज। और इस प्रैंक में भी कुछ ऐसा ही होता है, जहां पर एक व्यक्ति को एक शेर की पेंटिंग के सामने खड़ा करके ये बोला जाता है कि उसे पेंटिंग के अंदर दूसरा लायन जो कि छुपा हुआ है उसे ढूंढना है, और वो व्यक्ति पूरी मेहनत करके छुपे हुए शेर को ढूंढने की कोशिश भी करता है, जिसके बाद उस तस्वीर के पीछे से एक हैरी पॉटर की तरह आदमी आकर उस व्यक्ति को इतनी जोर से धक्का देता है कि वो तस्वीर के साथ एक दूसरे कमरे में जाकर गिरता है, जहां पर एक असली का शेर छुपा होता है जिसे देखकर उसकी हालत पूरी तरह से खराब हो जाती है, क्योंकि जहां वो पहले दूसरे शेर को ढूंढ रहा था वहां दूसरा शेर उसके सामने ही मौजूद था जो कि असली का था, जिसे देखकर इन जनाब की पूरी तरह से हालत खराब हो गई थी। क्रीम प्रैंक। चेहरे पर केक लगाने वाला प्रैंक तो आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा, जहां पर और कहीं नहीं तो लोग जन्मदिन पर ही एक दूसरे को केक लगाकर मजे ले लेते हैं, और जो चीज भारी मात्रा में होती है उसे जापान में कैसे छोड़ा जा सकता है, क्योंकि वो लोग तो हर एक चीज पर प्रैंक करने का मौका नहीं छोड़ते, फिर चाहे वो केक के ऊपर लगी क्रीम ही क्यों ना हो। विश्वास नहीं होता तो जरा ऑनलाइन हुए इस प्रैंक के बारे में जान लीजिए, जहां पर पार्टिसिपेंट आते हैं और एक रूम में सोफे के ऊपर बैठ जाते हैं, लेकिन जैसे ही वो सोफे के ऊपर बैठते हैं सामने रखी टेबल अपने आप खुल जाती है और टेबल से कुछ इस तरह की क्रीम डायरेक्ट शॉट लगाते हुए उनके चेहरे को क्रीम से भर देती है, जिसके बाद लोगों का रिएक्शन वाकई में किसी को भी हंसा सकता है। फ्री बटन। बदकिस्मती से हमें जापानीज नहीं आती, इसलिए हम आपको पूरी वीडियो ट्रांसलेट करके नहीं बता सकते, लेकिन हाँ ये जरूर बता सकते हैं कि यहाँ पर क्या हुआ है। और जैसा कि आप और हम बहुत अच्छे से देख सकते हैं कि इस प्रैंक का शिकार होने वाली महिला को एक बहुत ही सेफ रूम में बुलाया जाता है, जहाँ पर उसके सामने एक केक बॉक्स रखा होता है, लेकिन इस बॉक्स के अंदर केक नहीं बल्कि एक बटन मौजूद होता है, और जैसे ही ये महिला उस बटन को दबाती है वैसे ही सामने मौजूद दरवाजा खुल जाता है, जिसमें बहुत तेजी से हवा चलने लगती है और सब कुछ उड़ जाता है। इसके बाद उस महिला का क्या हाल होता है आप खुद ही देख लीजिए। क्यों दोस्तों, देखा आपने कि किस तरह ये महिला एक बटन दबाने से ही भूकंप के साथ साथ तूफान का भी मजा ले चुकी है। डायनासोर इन द हॉलवे। अब तक तो आप ये समझ ही गए होंगे
कि जापान के लोगों को अपने देश के लोगों को दौड़ाने और डराने में कितना मजा आता है। लेकिन ऐसा सिर्फ जापान में होता है, ऐसा भी जरूरी नहीं है। और अगर आपको हमारी बात पर यकीन नहीं होता तो जरा इस प्रैंक को देख लीजिए, जहां पर जुरासिक पार्क के सीन को रियल बनाने के लिए एक ऑफिस बिल्डिंग में एक आदमी को डायनासोर की कॉस्ट्यूम पहना दी गई, जिसके बाद उसे पूरे ऑफिस बिल्डिंग में इसी कॉस्ट्यूम के अंदर घूमना था। और फिर क्या था, कॉस्ट्यूम देखकर ही लोगों की हालत खराब थी, जिससे वो ये समझ ही नहीं पाए कि इस कॉस्ट्यूम के अंदर एक इंसान छुपा हुआ है जो उन्हें डराने की कोशिश कर रहा है। और सभी के रिएक्शन इतने ज्यादा डरावने थे कि कोई भी उन्हें देखकर लोटपोट हो जाएगा, जैसा कि इस वक्त आपको इनके रिएक्शन देखकर हंसी आ रही होगी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, अब वक्त है आपसे अलविदा लेने का। उम्मीद है आपको जापान के ये प्रैंक देखकर काफी मजा आया होगा, और अगर हाँ तो इसके बारे में हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबा लें। इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।